दोस्तों आ गया है और एक संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड नंबर 110 का। 110 एपिसोड हो गए हैं, क्या बात है। वैसे इट वाज अ हैपनिंग वीक दोस्तों। ट्रैकिंग के फंडे का तीसरा एपिसोड चला गया एंड आई एम, वो चाल देखिए, एंट्री वाला जो सीन है वो आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। नहीं देखा है तो जरूर देखिए ट्रैकिंग के फंडे को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, पहली बार हमारा कोई वीडियो ट्रेंडिंग पे टॉप 5 में गया, इनफैक्ट नंबर 2 पे गया था पोको X2 का, सो दैट वाज आल्सो ग्रेट। एंड वैसे कहा गया तो 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइलस्टोन्स। सो दिस वीक वाज ग्रेट, बहुत मजा आया। लेकिन अब वक्त होता है दोस्तों आपके सवाल लेने का। लेकिन दोस्तों उसके पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। निखिल यादव पूछते हैं, व्हेन इज मोटो एज कमिंग इन इंडिया एंड प्राइस। मोटो एज MWC 2020 में अनाउंसमेंट होगी और शायद उसके बाद में प्रोबेबली अप्रैल मई में लॉन्च होना चाहिए, बट इंडिया में आएगा या नहीं आई एम नॉट 100% श्योर, एंड आएगा भी तो इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव क्योंकि ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होने वाला है। वाटरफॉल डिस्प्ले, एज डिस्प्ले वगैरह है, कर्व डिस्प्ले, सो इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, नॉट श्योर, लेकिन अगर आया तो अप्रैल मई में आ जाएगा। यश कड़ेकर पूछते हैं, विचार तो मैं मराठी पे भी करता हूँ, हमारा हैशटैग आस्क अरुण मराठी, तो मैं बोलने वाला था यश कड़ेकर, कड़ेकर मराठी नाम है तो यश कड़ेकर विचार तो ऐसा मैं बोलने वाला था, लेकिन यश कड़ेकर पूछते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट पोको बिकमिंग अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम शाओमी। मोर द मेरियर यार, अच्छा है अपने लिए, शाओमी भी अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहा है, पोको भी अच्छे फोन्स लॉन्च करेगा, रीब्रांडेड हो गया तो क्या हो गया, अच्छे फोन्स तो आ रहे हैं, नो टेंशन। अयान दत्ता पूछते हैं, अरुण भाई पोको X2 K30 का रीब्रांड वर्जन है तो क्या इंडिया में K30 नहीं आएगा। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता है वो K30 आने वाला है क्योंकि पोको X2 इज K30, तो मतलब ही नहीं बनता है, तो K30 नहीं आएगा, लेकिन कुछ दूसरे फोन लेके आएंगे। जी हाँ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चल भाई K सीरीज के हैं वो पोको तुम रखो, तो पोको जो F2 होगा शायद K30 Pro चाइना में उस नाम से आ जाएगा, इधर पोको F2 के नाम से आ जाएगा। फाइनली क्या है, ये एक ही कंपनी है, जी हाँ, तो वो रेडमी हो, शाओमी हो, मतलब मी हो या फिर पोको हो, इट्स ऑल इन द गेम, इट्स ऑल इन वन पर्टिकुलर कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। जतिन मोए पूछते हैं, अरुण सर लव योर वीडियो सर, मेरा क्वेश्चन, इंडिया में 5G फर्स्ट कौन लाएगा, जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया। देखिए एयरटेल ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले, हम 5G के एयरवेव्स ही नहीं खरीदने वाले, इतने ज़्यादा महंगे हैं, तो एयरटेल तो आउट ऑफ क्वेश्चन। आइडिया वोडाफोन की तो ये सिचुएशन है कि शायद वो एक दो साल में रहे ना, क्योंकि इतना सारा उनके ऊपर कर्जा है जो गवर्नमेंट को देना है, तो अगर कोई होता है तो मुझे तो लगता है सिर्फ जियो ही है जो ले पाएगा, आई डोंट थिंक एनी वन एल्स कैन टेक, तो लेके आएगा तो आई विल से जियो, दैट्स द बेस्ट गेस। रेणुका सोलनकर पूछते हैं, सर हीलियो G70 वर्सेस P70 कौन सा पावरफुल प्रोसेसर है, G70 प्रोसेसर किस प्रोसेसर के बराबर का है। G70 लाइज, इट इज अबाउट 665, अगर स्कोर के पास, सी एवरीथिंग इज नॉट अंतुतु स्कोर, लेकिन अंतुतु स्कोर देखा जाए तो 665 से स्लाइटली ज़्यादा देता है, बट मैं कहूँगा सिमिलर लेवल पे है, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है उसी लेवल का है G70। और P70 के साथ देखिए कुछ बातें अच्छी हैं G70, कुछ बातें अच्छी है P70 की। G70 जैसे ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, UFS को सपोर्ट करता है, जो P70 नहीं करता है, लेकिन P70 का जो क्लॉक स्पीड है वो ज़्यादा है, सो यू नो आई विल से व्हाट, G70 इज़ बेटर क्योंकि UFS 3.1 ब्लूटूथ 5.0 को वगैरह सपोर्ट करता है। सिर्फ क्लॉक स्पीड ज़्यादा होने से हाँ थोड़ा पावरफुल होगा, बट अगर अंतुतु स्कोर के पास देखते हो तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल की भाई स्टोरेज टाइप कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आई विल से G70 इज़ बेटर देन P70, ऐसे कहूँगा। सूरज अग्रहारी पूछते हैं, अरुण भाई सैमसंग को ग्लास्टिक आपको कैसे लगा, सैमसंग का ग्लास्टिक कैसे लगा, ये जरूर बताइए कि 40K में S10 लाइट में। हाँ यार, आई मीन ऑनेस्टली यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 40,000 रुपये दे रहे हो यार, कम ऑन, यू कैन गिव मी अ प्लास्टिक बैग, सो आई अग्री विथ यू। ठीक है उन्होंने भेजा है हमें फ़ोन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छा बोलना है, जो मैंने मेरे वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि ग्लास्टिक डज नॉट मेक सेंस एट 40,000, दैट्स फॉर श्योर।
नीरज तिवारी पूछते हैं सर ट्रैकिंग के, या थोड़ा गुस्सा आ जाता है यार, मतलब डोंट नाम ठीक है सैमसंग है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आई मीन यू कुड हैव इजीली गिवन अ ग्लास बैक। नीरज तिवारी पूछते हैं सर ट्रैकिंग के फंडे के लिए कोई न्यू कैरेक्टर की जरूरत हो तो क्या आप उसका ऑडिशन लेते हैं? एब्सोल्युटली ऑडिशन के सिवा नहीं लेते, मतलब करते हैं, लेकिन क्या होता है ना ट्रैकिंग के फंडे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। अभी तो क्या है उसमें से तो कुछ हम कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ पैसे डाल ही रहे हैं, एंड ऐसे एपिसोड्स बनाना इज़ ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नामी जो एक्टर्स वगैरह हैं तो जो छोटे छोटे हैं उनके ऑडिशंस लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगा तो हम उनको लेते हैं। और आपका सवाल है, मुझे मालूम है कि आपको भी अगर करना है तो हाँ वी आर इंटरेस्टेड। इनफैक्ट जैसे शाओमी से पोको हट गया, वैसे ट्रैकिंग टेक से ट्रैकिंग के फंडे ये इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट ब्रांड, तो उसका एक अलग से एक सेंटर होने वाला है। सो वी आर लुकिंग फॉर पीपल देयर, यस डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर पीपल। विवेक चौहान पूछते हैं सर अब आप वो फेस लॉक जैसे पहले टेस्ट करते थे, हाँ फेस लॉक जैसे पहले टेस्ट करते थे इसके साथ करेंगे, आप बोल रहे हो तो करेंगे, तो ये पूछते हैं क्यों नहीं करते हो? तो बेसिकली क्या हो गया था बताएं, ये जो मेरा फेस था पहले वाला वो खराब हो गया था, मतलब और वो चल नहीं रहा था, तो ये साजिद, थैंकफुली साजिद ने ये प्रिंट आउट निकाला और ये अभी बना दिया है। सो नाउ आई हैव अ फेस वेर आई कैन डू फेस अनलॉक टेस्ट, तो इसके साथ मैं ज़रूर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रहा हूँ, क्यों इस फोटो में? अच्छा फोटो नहीं लेने को आया क्या साजिद? हाँ ये देखो एनीथिंग। चलो नेक्स्ट, समर राज पूछते हैं सर मी नोट 10 इंडिया में कब आएगा और कैमरा के लिए कैसा रहेगा? मी नोट 10 इंडिया में कब आएगा और अच्छा मी नोट 10 मतलब CC9 प्रो जो चाइना में लॉन्च हुआ था, मी नोट 10 उसका ग्लोबल नाम है, आई थिंक आना तो चाहिए था अभी तक, टू बी ऑनेस्ट विथ यू 108 मेगापिक्सल कैमरा कब से वो कह रहे थे, तो मुझे लगता है वो जो उनका बीच में जो दिखाया हुआ था फ़ोन वो शायद मुझे लगा 108 मेगापिक्सल का था, बट यू नो व्हाट मी नोट 10 आ जाना चाहिए, आई एम रियली नॉट श्योर, आई कांट इवन टेल यू दैट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है, मैं अभी कहूँगा कि आने वाला है नहीं आया तो फिर से आप पूछोगे, सो लीव इट एट दैट। संतोष पोहेकर पूछते हैं सर माय नेम इज संतोष, क्या हमने चाइनीज ब्रांड प्रिफर करने चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में तो लोगों की सोच अलग है। यार चाइनीज ब्रांड के सिवा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब है कोरियन है या फिर ऐसे अलग अलग है, लेकिन इंडियन ब्रांड्स है ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये सब लोग जो है ये फोन्स इंडिया में असेंबल करते हैं, सो दे क्रिएट लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विच इज़ रियली गुड। आई मीन संतोष जी मैं कहूँगा कि आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन बाइंग चाइनीज ब्रांड्स, हज़ारों लाखों तो नहीं, हाँ हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि सब जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेके आ गए, सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन बाइंग। शानू पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल रेडमी नोट 9 प्रो कम? आई थिंक इन मार्च इज़ माई गेस। करण पूछते हैं अरुण भाई मेरा क्वेश्चन है कि रियलमी टीवी कब तक इंडिया में आ जाएगा? MWC में कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, तो तब तक के लिए रुक जाइए, हम उधर से आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी, सो हो जाना चाहिए यार, मतलब MWC के बाद बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, सो मस्ट बी अबाउट अप्रैल और समथिंग। कामरान पूछे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? BBK इलेक्ट्रॉनिक्स बाप है सबका, नहीं सीरियसली सबका बाप है वो, इंडियन अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो इंडिया में BBK इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 पे है, क्यों? क्योंकि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, वन प्लस, उसके बाद में ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सभी ब्रांड्स ओन करती है, उसकी पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे है ये सब, तो सोचिए ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये सब अगर साथ में आ गए तो क्या हो जाएगा, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए कहा सबका बाप है। सिद्धराज पूछते हैं पोको X2 का कस्टमर सर्विस कहाँ पर होगा? Xiaomi के जो भी सेंटर्स हैं उधर ही आपको पोको X2, पोको के कोई भी फोन का सर्विसिंग मिलेगा, तो राइट नाउ दे आर अंडर Xiaomi ओनली, सो नो प्रॉब्लम। सैयद सलमान पूछे इज इट वर्थ अपग्रेडिंग टू अ न्यू फोन एवरी ईयर? आई डू नॉट थिंक, फॉर 90% पीपल
देर इज नो नीड टू अपग्रेड एवरी ईयर. दो साल तो मुझे लगता है डेढ़ से कम आपने इस्तेमाल करना चाहिए एक फ़ोन को. एंड आजकल के फ़ोन्स इतने पावरफुल आ गए हैं, आप मिड रेंज के भी ले लीजिए, दे आर क्वाइट फ्यूचर प्रूफ. तो डेढ़ दो साल कम से कम मेरे हिसाब से. नीरू पूछते हैं, कैन यू प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन पोको एक्स टू एंड वॉट आर द एक्सपेक्टेशंस अबाउट एफ टू. माई एक्सपेक्टेशंस आर दीज. गुस्सा, पहले एक्स टू क्यों आया और एफ टू क्यों नहीं आया? बट एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, मतलब आई थिंक इट विल बी अ फ्लैगशिप लेवल 8 सीरीज़ की चिपसेट वगैरह होगी. अब जब आएगा तब देखेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर K30 X2 हो सक्ता है तो K30 Pro F2 क्यों नहीं हो सकता है? दैट्स द पॉइंट. शुभम काजले पूछते हैं, हाय दादा, रियलमी C3 डिस्प्ले कसा आहे आणि फॉर ब्राइटनेस प्लीज. एवरेज ब्राइटनेस है मैं कहूँगा. पहले जैसे रियलमी के पुराने फ़ोन्स थे बहुत डल जो स्क्रीन होती थी वैसे नहीं है. इट इज़ डिसेंट, बट ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है. सो डिसेंट ही कहूँगा, एवरेज. सो हम पूछते हैं, विल आईक्यू फोन्स वर्क विथ 4G सिम? येस, 5G का कोई भी फ़ोन 4G के साथ आएगा. वैसे आईक्यू के जो GM है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि हम दो वेरियंट्स लाने वाले हैं, एक 5G और एक 4G. 4G वाला तो ऑब्वियसली काम करेगा ही. राहुल पात्रा पूछते हैं, सर OnePlus के नेक्स्ट फोन में कितने वैट का वायरलेस चार्जिंग होगा? अभी जो वार्प चार्ज है वो 30 वैट का है, तो शायद ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, हो जाता है इतना कंटिन्यूअसली अगर बात करना है विदाउट इंटरप्शन तो छींक वगैरह तो आ ही जाती है. शायद 40 वैट का हो जाए, दैट्स व्हाट आई थिंक. आई डोंट नो, कुछ आया हुआ है क्या? आई एम नॉट श्योर, देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे. प्रतीक, व्हेन विल रेडमी बुक लॉन्च इन इंडिया? यार ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया था मनु कुमार जैन जी का, तो क्लियरली लग रहा था कि इट इज़ नॉट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार इंडिया की जो एवरेज बाइंग प्राइस है लैपटॉप की वो 25,000 की है, और हमारा जो रेडमी बुक है उधर 40,000 से वगैरह चालू होता है और इंडियंस नहीं ले सकते. आई डोंट अग्री टू दैट, बट उनके बातों पर से तो ऐसे लग रहा था कि एक 4-6 महीने तो नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से. सो दैट इज व्हाट इट इज. चलिए दोस्तों, सभी सवाल ले लिए. कैसे लगा आपको ये हैशटैग आस्क अरुण का एपिसोड? अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा. ट्रैकिंग के फंडे जरूर देखिए. ऑफिस मीटिंग में क्या क्या होता है, लोग क्या क्या रीजनिंग देते हैं लेट आने पर मीटिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा, खुश हो जाएंगे आप, जरूर देखिएगा. वैसे एंट्री सीन के बारे में, एंट्री सीन देखिए, इधर आके फीडबैक जरूर दीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड हैव अ ग्रेट 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 संडे.